इंदौर शहर की बिगड़ी हुई यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए आज से नया प्रयोग शुरू किया गया है। शहर के सबसे व्यस्त मार्ग कहे जाने वाले जवाहर मार्ग और बड़ा गणपति से कृष्णपुरा छतरी तक के मार्ग को आज से वन वे घोषित किया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव और कलेक्टर आशीष सिंह की मौजूदगी में ये नया प्रयोग शुरू हुआ। इसके साथ ही महापौर ने वाहन चालकों से भी इस आदेश का पालन करने की अपील की है। लोगों को एक तरफ चलने की आधा से करके बन गए हैं, तो भी इस तरफ नहीं चल रहा। चलो हाल कर रास्ता हो गया ले लो महापौर पुष्यमित्र भार्गव के मुताबिक शहर में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और बढ़ते यातायात के दबाव को नियंत्रित करने के उद्देश्य से ये नई व्यवस्था आज से लागू की गई है। फिलहाल ये प्रयोग 7 दिनों के लिए किया जाएगा। इस दौरान सुधार के लिए जो भी सुझाव मिलेंगे उसके बाद व्यवस्था में बदलाव किया जाएगा। इसके अलावा महापौर ने आम लोगों से यातायात के नियमों का पालन करने की अपील की है, साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर समझाइश के बावजूद भी कोई नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, शहर में पहले सड़कों को अतिक्रमण मुक्त फुटपाथ फ्री करने का प्रयास हमारा लगातार जारी है और उसमें इंदौर की जनता का बहुत समर्थन हमको मिल रहा है, लेकिन ट्रैफिक में इंदौर को नंबर वन बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ पुलों के निर्माण, सड़कों के निर्माण, कल इंदौर शहर को बहुत बड़ी सौगात एलिवेटेड ब्रिज की मिली है, वैसे ही मध्य क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक के नियम लाकर हम नए प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी शुरुआत आज जवाहर मार्ग और बड़ा गणपति से लेकर कृष्णपुरा छतरी तक के मार्ग को वन वे करने का शुभारंभ हमने किया है। ये 7 दिन का ट्रायल है, इसमें कई सारे सुझाव भी आएंगे, कई सारे परिवर्तन भी करने पड़ेंगे, लेकिन प्रथम दृष्टया लगता है कि ये प्रयास हमारा सफल होगा। उसकी शुरुआत आज जनता को आग्रह कर समझा कर हमने की है। 7 दिन बाद यदि लोग नहीं मानेंगे तो चालानी कार्रवाई भी होगी और कठोर कार्रवाई भी नियम तोड़ने वालों के खिलाफ होगी। देखिए, ऐसा जिसको बाज़ार में जाना है वो तो बाज़ार में जाएगा ही, लेकिन जिसको सीधा मूवमेंट करना है उसके लिए वन वे है, और मूवमेंट करके अगर उसको दूसरी रोड पे जाना है तो पूरे रोड की सारी सड़कें खुली हैं, वो किसी भी सड़क का उपयोग कर सकता है। देखिए, एनफोर्समेंट का काम है, इंदौर के ट्रैफिक मित्र, ट्रैफिक पुलिस, जिला प्रशासन के सहयोगियों के साथ मिलकर जनता के सहयोग से इसको लागू करेंगे और एक बार आदत बन जाएगी तो लोग खुद उसको फॉलो करेंगे। इंदौर स्वच्छता में नंबर वन अपनी आदत से है। इस 7 दिन के ट्रायल के बाद इसको रिव्यू करेंगे, क्या क्या सुधार करने हैं, पर इसको लागू रखें। अब देखना होगा कि इस नए प्रयोग से शहर की यातायात व्यवस्था में कितना सुधार होता है। आपको बता दें कि शहर का जवाहर मार्ग और एमजी रोड सबसे व्यस्त मार्ग होने के साथ ही एक व्यवसायिक केंद्र भी है, ऐसे में यहां रोजाना हजारों वाहनों का आवागमन रहता है।